अखिलेश हों, केजरीवाल हों या ममता बनर्जी हों, ये समय समय पर कांग्रेस से अपनी दूरी बनाए रखे हुए हैं। लेकिन 23 जून को ये तीनों नेता एक साथ होंगे और राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। ऐसे में विपक्षी एकता की भावी तस्वीर को लेकर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इसके सीधे तार यूपी से जुड़ते हैं, जहां रालोद और सपा का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ही कह रखा है कि 24 में पुराना गठबंधन ही लड़ेगा, कोई नया गठबंधन नहीं होगा। लेकिन जयंत चौधरी के विचार कुछ अलग हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि यूपी में 2024 का लोकसभा चुनाव सपा, आरएलडी, आप और कांग्रेस मिलकर लड़े। तेईस जून को पटना में होने जा रही विपक्ष की बैठक की चर्चा सियासत के हर एक मंच पर हो रही है, लेकिन बैठक से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के एक मंच पर पहुंचने की है। दरअसल अखिलेश यादव हों या फिर अरविंद केजरीवाल, दोनों ही नेता कई मौकों पर कांग्रेस से दूरी बनाते दिखे हैं। जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और पिछले महीने मई में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। यहां तक कि कई मौकों पर दोनों ओर से बयानों में तल्खी भी दिखाई दी, लेकिन अब अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ एक मंच साझा करेंगे तो महागठबंधन से इतर तीनों पार्टियों के गठबंधन का सवाल भी तैरने लगा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव ने भले ही कई मौकों पर यूपी में नए गठबंधन से इनकार किया हो, लेकिन समाजवादी कैंप से जो संदेश आ रहा है उसका सीधा मतलब यही है कि नए गठबंधन के लिए सपा ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। गैर भाजपाई पार्टियां एक मंच पर आनी चाहिए, गैर भाजपाई वोटों के बंटवारों को रोकने के लिए, और जो देश टूट रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ जो लोकतांत्रिक सभी दल हैं वो मिल करके चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि यूपी में सपा का सहयोगी रालोद पहले से ही कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने के पक्ष में है। सहमति तो बनी है, तभी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वाभाविक है। राजनीति में किसी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, संभावनाएं अनंत हैं और संभावनाएं इसलिए ज़्यादा बलवती हो जाती हैं क्योंकि आज जिस तरीके से गांव के लोग, खासतौर पर किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक जिस तरीके से परेशान हैं, वो ये इन सबको कंपेल किए हुए हैं कि सब इकट्ठा हों और इनकी कुनीतियों के खिलाफ आप एक मोर्चा लें। लेकिन समस्या ये है कि यूपी में भाजपा के मुकाबले में सपा दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अगर सपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पुराने गठबंधन में शामिल करती है तो उसे न चाहते हुए भी कई सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए छोड़नी होंगी, जो सीधे तौर पर सपा के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऐसी संभावना कम ही है कि सपा यूपी में किसी नए गठबंधन के लिए तैयार हो। हालांकि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। सीटों का अगर बंटवारा, गठबंधन तय भी होता है तो उत्तर प्रदेश में जब सीटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस भी कई सीटें चाहेगी, आप भी कई सीटें चाहेगी। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव इस स्थिति में नहीं हुए कि जिनका जनाधार ही बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, उनको कैसे सीटें दें। और यहाँ तक कि जो रायबरेली अमेठी में कांग्रेस जीतती रही है लंबे समय से, अब तो राहुल भी सीट हार चुके हैं, वहाँ पर भी उसकी जीत की वजह समाजवादी पार्टी ही होती थी क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी। तो मुझको लगता है कि ये एक बड़ा हर्डल रहेगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा पेच ये भी है कि सपा अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर लोक जागरण यात्रा निकाल रही है, यूपी की सभी सीटों पर जीत की हुंकार भर रही है। लखीमपुर के बाद नैमिषारण्य में सपा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर चुकी है। दूसरी ओर सपा के सहयोगी जयंत चौधरी की अगुवाई में रालोद का अभियान पश्चिमी यूपी में जोर शोर से चल रहा है। कांग्रेस भी 2024 में यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। ये तीनों ही तस्वीरें संकेत हैं कि सत्ता के रास्ते पर हर एक दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है।
जो यूपी में किसी नए गठबंधन के रास्ते में बड़ा ब्रेकर साबित हो सकती है। राहुल गांधी जैसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक नाप दिया, तो निश्चित तौर से राहुल गांधी जी मजबूत नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग खड़े हैं पूरी तरह। यानी विपक्षी एकता की बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन इसके जमीन पर उतरने को लेकर अभी भी सवाल है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद भी दोनों दल भाजपा को बड़ी जीत से रोकने में नाकाम रहे थे। दूसरा, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को 18.1% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 6.4% वोट। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 32.3% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2.4%। अगर यूपी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखें तो निकाय चुनाव के अलावा अरविंद केजरीवाल की पार्टी यूपी में बड़ी छाप छोड़ने में अब तक नाकाम रही है। ऐसे में यूपी में नए गठबंधन की संभावना कितनी है, ये सवाल बड़ा है। अब ये तो बड़ा जबरदस्त भ्रष्टाचार का संगम होगा अगर ये तीन चेहरे आपने बताए हैं, और यूं कह लें कि अपराध को महिमा मंडित करने वाले लोग भी हैं और भ्रष्टाचार में डूबी हुई केंद्रीय केजरीवाल की सरकार आज दिल्ली में सब जानते हैं, और ऐसी ही एक देश में डूबी हुई भ्रष्टाचार में सरकार थी कांग्रेस की, उसको लोगों ने निकाला कर दिया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने अखिलेश यादव जी की सरकार को बाहर कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया, तो ये साफ हो गया है कि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोगों के साथ कौन जाएगा और उसका कोई असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर कहें तो यूपी में किसी नए गठबंधन की बुनियाद पड़ने की फिलहाल कोई वजह नजर नहीं आती और ना ही बड़े स्तर पर इसकी कोई कवायद होती दिख रही है। फिर भी कयासों का दौर जारी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।